वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फॉर यूट्यूब चैनल दिस इज़ अपन टॉकली। आज के व्लॉग में आपको लेकर आया हूँ कार महक रजौरी गार्डन। कार महक रजौरी गार्डन भैया, आपका नाम क्या है? साहिल भैया, कार महक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं हम लोग आज। आपको बहुत बहुत बुलाया, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम कार में है। बेसिकली हम स्पेशलाइज करते हैं ऑडियो के अंदर। ओके, वी डू एवरीथिंग। अगर ऑडियो हो रहा है तो हम इंटीरियर भी करते हैं, कस्टमाइजेशन भी करते हैं, बट मेनली जो है वो हमारा ऑडियो है। ऑडियो है। आज जो है हमारे पास नेक्स्ट वन आई है, ऑडियो अपग्रेड, थोड़ा सा प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड है। उसके अंदर हम ये कंपोनेंट यूज कर रहे हैं सारे। ओके, दिस इज ब्लैम रिलैक्स 3-way सेटअप। ओके, ठीक है, अलॉन्ग विद द ब्लैम रिलैक्स 2-way अगेन। ओके, ड्राइव करने के लिए हमने एम्पलीफायर यूज किया नाकामिची 4-channel, राइट? यस। ओके, इसको पावर करेगा हिलिस का DSP मिनी। ये कस्टमर ही लेके आए थे, हमने प्रोवाइड नहीं किया है। अच्छा, कस्टमर ही खुद कस्टमर लेके आए थे, ठीक है। कस्टमर ने बाहर से ही मंगवाया था, ओके, उन्हीं का अपना। जो वायरिंग यूज कर रहे हैं वो स्टिंगर की, ठीक। और जो स्पीकर वायर है वो ब्लॉपन की रहेगी, और जो डैम्पिंग है वो वाइब्रो फिल्टर। अच्छा, एक बात पूछनी है मेरे को, जैसे ये चीज कस्टमर लेकर आए हैं अपनी, कस्टमर से DSP लेकर आए, DSP लेकर आए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मतलब सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। चाहे बेसिक हो चाहे प्रीमियम हो, सब चीज अवेलेबल है। पर्सनली पूछना है कि स्पीकर तो देखो मार्केट में बहुत सारे हैं, तो बट आप ब्लैम ही क्यों चूज किया आपने गाड़ी के अंदर? कस्टमर को टेस्ट को समझना जरूरी था। ओके, कस्टमर को मुंह पर नहीं लगाना है। ओके, तो स्पीकर ऐसा किया था, मिड बेस भी मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए एट द सेम टाइम, ठीक है, तो मुंह पर नीट फील ना हो। ओके ओके, मतलब अब इस गाड़ी में एक तरह से देखा जाए तो वूफर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अंदर के लिए, मतलब जो अंदर का एनवायरनमेंट रहेगा काफी पंची रहेगा, स्वीट बेस्ड कस्टमर चाहिए। ओके, स्पीकर से ही आ जाएगी, स्पीकर से ही सफिशिएंट आ जाएगी। तो चलो इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाएं इनको, आइए चलिए। बाकी भैया, इसके आप तो भी ब्लैम कर रहे हो इंस्टॉल, इसके साथ साथ हमारे पास और भी कई ब्रांड्स हैं। हमारे पास ग्लैम है, हमारे पास जेल ऑडियो है। ओके, तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं लाइनअप में। जेल ऑडियो आ जाएगा, अल्पाइन आ जाएगा। ओके, रेनबो आ जाएगा, नाकामिची है, डायमंड ऑडियो है, ठीक है। मतलब रेंज हमारे पास सारी है, और अगर किसी की कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो गाड़ी में लेके चलते, देखते हैं गाड़ी में हमारा जो है कितना काम यहाँ पे। आप लोगों के सामने है नेक्सॉन, जिसके अंदर की पूरा काम किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्पिंग पूरे डोर्स पे हो चुकी है, राइट? डोर भी हो चुका है, डोर भी हो चुका है, ठीक है। फ्लोर भी डैम्प है पूरा, ठीक है। तो ये डोर हमने पूरा वेपर फिल्टर की डैम्पिंग हमने पूरी कर दी अपने डोर्स के अंदर, ठीक है। 1.8 mm, राइट? यस, ठीक है। और साथ में 3-way ब्लैम ऑडियो का इंस्टॉल किया गया है, प्रॉपर रिंग है, पल्स लगाए हैं, और ये कंपोनेंट प्लेसमेंट देख लो। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगा ना, वो उसकी प्लेसमेंट फ्रंट पे लगी है। ये देखो, ये हमने जो पॉट्स बनाए हैं, पॉट्स कस्टम बिल्ड पॉट्स हैं। ओके, ये कस्टम बिल्ड पॉट्स के बाद हमने इनको कार्बन फाइबर डिप कराया हुआ है। ओके, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा ही है, प्रोसेस लंबा है, 3 days लगते हैं इस चीज पे। चलो, तो अगर आप काम करवाओगे तो इस मान के रखना 3 दिन मिनिमम देने पड़ेंगे, राइट? पॉट्स लगवाने हैं तो, लेकिन पॉट्स लग बहुत अच्छे हैं। एक बार और आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो। मेरे को लगता है कि आप 3 दिन नहीं रुकोगे, मतलब डेफिनेटली आप इसको करवाना चाहोगे। तो अब आप हमें बताइए गाड़ी के अंदर ये हमने सबसे पहले क्या लगाया हुआ भैया? हमारा 6-channel DSP है। 6-channel DSP तो यूज कर रहे हैं, वो 4 channels है। Okay, 2 for the front, 2 for the rear, जो सबवूफर है हमारा वो खाली पड़ा हुआ हमारा, ठीक है। वूफर नहीं यूज किया, वूफर की रिक्वायरमेंट थी, मेबी इन फ्यूचर नहीं है। मतलब अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी तो सिंपल इसमें वायरिंग डालनी है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा वायरिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है, सारी जो वायरिंग है कोई वायरिंग लूज नहीं है, प्रॉपर हीटिंग लगाई हुई है, टाइमर लगाई हुई है। अच्छा, ये स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है 4 channel हो रहा है हमारा, ठीक है। सेम बेस नाकामिची मिनी सीरीज एम्पलीफायर, ये मैंने हाथ में ले लिया है, इससे पूरी वायरिंग को हम कवर करते हैं, ठीक है। इसके फायदे रहते हैं भैया कि आपस में वायरिंग टच नहीं होती होगी, कि जब नॉर्मली आप 2 बार टेप करते हैं, हाँ, हीट होने के बाद वो टेप अपनी कम छोड़ देता है। ओके, हाँ, हीट स्विच के बाद ना वो गर्म होता है, ठीक है, ना वो कभी जो जोड़ है, हाँ, आपका। और प्लस इसका मेरे ख्याल से आपस में वायरिंग कनेक्ट, हाँ, राइट, देखिए, देख लो। तो इस तरीके से जो है वायरिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में करी गई है, पर अनवांटेड वायर कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने पीछे के कंपोनेंट की। ये अपना ये कंपोनेंट पीछे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम लास्ट के ही 2-way लगाए हैं, सेम सीरीज है। ये देख लो एक बार, आपको दिखा दो। इसके आगे अंदर भी जो है रिंग भी है, ग्लास भी लगी है, और ये देखो कंपोनेंट। तो इसमें 3 दिन हमको लगने वाले हैं, 3 दिन लगते हैं। कस्टमाइजेशन करनी थी, पॉट्स को बनाना था, बनाने के बाद कार्बन डिप करना था, वो चीज टाइम लेती है। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं इसके, इसका कंट्रोलर भी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रखा हुआ है नीचे। कंट्रोलर भी लगेगा, DSP कंट्रोलर, ये देखो। तो मतलब ये बेसिकली जो इसके साउंड होगा उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, मैनुअल करने के लिए, आपको बार बार जो है वो लाटो लगा के
बेसिकली क्या है कि आप जब कंट्रोलर लगाते हैं okay. तो उसमें मोड्स होते हैं 9 आपके पास okay, okay. तो आप कोई भी मोड सेलेक्ट करके जो भी आपको आवाज सुनी है वो सुन सकते हो okay, ये अच्छा लैपटॉप क्लिक करने की नीड नहीं है। अच्छा जैसे अभी हम इसमें लैपटॉप प्लग करेंगे तो उसके बाद हम जितना आप बता रहे हो उन सबको पहले सेट करेंगे एक में। हाँ लैपटॉप करेक्ट करने के बाद जो DSP है हम उसके जो प्रीसेट्स हैं 1 है 2 है 3 है 4 है वो सबकी जो हाई पास फिल्टर्स हैं okay. कितना कट ऑफ करना है कितना गेन देना है okay. कितना डीबी करना है टाइम अलाइनमेंट करना है वो सब करने के बाद लैपटॉप से ही होगा। उसी साइज से लैपटॉप से उसका काम इज एज गुड एज द स्टीरियो। ओके तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया पूरी चीज़ें भैया ने बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को समझा दी यहाँ पे ठीक है। और ना सबसे चीज़ मुझे ये लगी कि भैया ने हेड यूनिट स्टॉक ही रखा आपने स्टॉक ही रखा अगर इसको चेंज करना चाहे तो ये जो गाड़ी है इसमें हर्बन कार्बन सेटअप लगा हुआ है ओके तो वो हटा के हमने ये प्लगइन किया हटा के। अच्छा अगर किसी की रिक्वायरमेंट है उसको हेड यूनिट भी चेंज करवाना है आपसे तो हो जाएगा उस पर और आउटपुट निकल जाएगी भैया उससे भी निकल जाएगी उससे आउटपुट अगर बेसिक एंड्रॉइड लगाते हो आउटपुट नहीं है तो हम उसके अंदर हाई लो कन्वर्टर ठीक है या डीएसपी सकते हैं ठीक है। अगर प्रीमियम आप हेड यूनिट लगा रहे हो तो उसमें डीएसपी का हाई लो जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है ये भी ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी चीज़ें बता दी मैंने आप लोगों को भैया से पूछ के बट स्टिल अगर कुछ रह गया तो कमेंट डाउन कर सकते हैं बाकी मैं आपको आगे इसकी आवाज़ भी सुनाता उसकी आवाज़ भी सुनाएंगे अभी हम की प्लेसमेंट अपने ओईएम जगह पे ट्विटर की प्लेसमेंट ओईएम जगह पे चली जाएगी राइट जो फ्रंट की है वो आगे पिलर पे पिलर्स पे आ गई हाँ जगह रेयर पे अपनी इसके अंदर ऐसे नज़र आता है अपना डोर पैनल। बाकी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ गाड़ी की आवाज़ एक बार इसमें थोड़ा सा काम होने देते हैं उसके बाद आपको पूरी इसकी आउटपुट सुनाता हूँ किस तरीके की मिलती है। तो बाकी अब आप देखेंगे गाड़ी के अंदर ना यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है ठीक है ये देख लो मैंने पूरी वायरिंग ना इसके अंदर डाली है ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके प्लास्टिक पॉट है जिसके अंदर हम पूरी वायरिंग को अच्छे से कवर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है प्रॉपरली फ्यूज़ की इंस्टॉलेशन भी की जा रही है। भैया फ्यूज़ की इंस्टॉलेशन की जा रही है कई जगहों पर मैंने देखा फ्यूज़ लगाते ही नहीं है लोग फ्यूज़ बहुत ज़रूरी है ओके अगर ये फ्यूज़ कभी बाई चांस उड़ता है तो वो भी अच्छा है अच्छा होना भी ज़रूरी है वो भी होना ज़रूरी है अपनी जगह पर ठीक है। तो ये फ्यूज़ भी होना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आनी होगी तो फ्यूज़ ही उड़ जाएगा आपका ठीक है। चलो तो उस टाइम पर हम आगे अपने घर के अंदर देख लो पहले आपको सब फ्रंट से तसल्ली से दिखाते हैं पॉट्स किस तरीके से कस्टम किए गए हैं ठीक है। अब भैया इसमें अब क्या करने वाले हो फाइनल ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने सिस्टम की मतलब आवाज मतलब ये मतलब आप इसी सेट करो कि आवाज क्या हमें कैसी चाहिए yes. ठीक तो ये मेजरमेंट लेके कि स्पीकर से ड्राइवर की हेयरिंग की मतलब पावर को कितना डिस्टेंस है उस हिसाब से टाइम लाइन ठीक है। ये हमने पे लगाया स्पीकर पे एंड we'll go.
आउटपुट भी मैंने आप लोगों को सुनाई की गाड़ी के अंदर बहुत अमेजिंग आउटपुट आ रही है। तो भैया आपने जितना भी मेजरमेंट वगैरह किया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो। बेसिकली जब डीएसपी लगाते हैं हम लोग ओके तो हम इसको टाइम अलाइनमेंट बोलते हैं। ओके टाइम अलाइनमेंट से क्या होता है कि जैसे हम ड्राइवर कंसेंट्रेट सिस्टम को कर देते हैं जो सराउंड है जो ड्राइवर को आवाज आती है जैसे कि ड्राइवर के कान के ज्यादा पास है ये ज्यादा पास है ये दूर है इधर सब कुछ इक्वल okay. जो साउंड जो है वो अच्छा है मतलब जैसे उस साइड की डोर पास में है ऑब्वियसली बात है ये वाला हम दूर है। क्या करते हैं इसकी जो वॉइस ट्रैवल कर रही है हमारे कानों तक ठीक उसमें हम डिले डाल देते हैं okay. इसकी आवाज पहले आ जाए इसकी आवाज थोड़ा लेट थोड़ी लेट है तो चारों आवाज जो एक टाइम पे पहुंचती है। अच्छा एक टाइम ऐसा नहीं कि अगर ये स्पीकर हमारे पास है तो इसके बाद पहले आ रही है वो डिले डाल देते हैं। ओके डिले डालते हैं जिससे कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा उसको एक क्वालिटी मिले मतलब सुनने में साउंड अच्छा मिले चारों डोर से चारों पॉइंट से सेम आवाज आ रही है। यार ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है कि मतलब किसी को इस तरीके से टाइम मतलब म्यूजिक को अलाइन करते हुए कि मतलब कि डोर के डिस्टेंस को एक पॉइंट पर जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा था। तो इस चीज को करने में मतलब ये जरूरी है करना बेसिकली कर दो तो बेटर करने के लिए बेटर है खड़े आपने स्पेंड किया है तो उसकी वर्थ पूरी मिलनी चाहिए। ठीक ये जो टाइम अलाइनमेंट का फीचर है ये हर डीएसपी में होता है। अच्छा हर डीएसपी हर डीएसपी होता है चाहे वो डीएसपी एक 10,000 रुपये का हो चाहे वो डीएसपी 1,00,000 रुपये का। ठीक है मतलब सब ऑप्शन होता है। हाँ जी मतलब ये डिपेंडेंस है कि यूज़ करते हैं कि नहीं करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप लोगों ने ऑडियो भी सुन लिया किस तरीके से इसकी जो है अलाइनमेंट की गई है। तो भैया ऑडियो के अलाइनमेंट वगैरह आपने सब कुछ दिखा दिया। कस्टमर की पहली प्रेफरेंस थी कि मेरे को ऊपर नहीं लगाना है मुझे बेस नहीं चाहिए बहुत स्वीट बेस चाहिए तो स्पीकर ऐसे बताना कि जो मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई करती हो क्लैरिटी भी मिले और बेस मिला सेम टाइम। ठीक है मतलब मेन ही होता है कि कस्टमर की चॉइस को समझना पड़ेगा टेस्ट को समझना जरूरी है। ठीक है जो हमने इसमें लगाए हैं वो हमने ब्लैम की लगाई थी। ठीक तो थ्री वे में बहुत के ऑप्शन हैं ब्लैम है जीएल ऑडियो है रेनबो है मोरेल है टू वे रेंजेस बट कस्टमर का टेस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ठीक है तो इस तरीके के काम के लिए हमें कितना टाइम मान के चले अगर आप एक नॉर्मल ऑडियो सेटअप कराते हैं तो 4 to 5 hours जहाँ पे कस्टमर से इन्वॉल्व हो जाती है जहाँ पहला कस्टमर बनने हैं या टिपिंग होनी है या हाइड्रो टिपिंग होनी है उसके लिए फिर टाइम चाहिए मतलब कि एक से दो दिन चाहिए अगर पॉट्स वगैरह बनवाने हैं कस्टम अदरवाइज एक दिन में हो जाएगा राइट चार से पाँच घंटे में ऑडियो सेटअप। अच्छा भैया एक बार अपनी लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन हमारी रहेगी रजौरी गार्डन मेन रोड नजोकर रोड मेट्रो नंबर 428। और भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए 9999716120। ठीक है और भैया इंस्टाग्राम पे भी है आप इंस्टाग्राम पे भी है कार महक CARMAHAK कार महक के नाम से। ठीक है भैया चलिए भैया थैंक यू सो मच इतना अच्छा ऑडियो सेटअप हम लोगों को दिखाने के लिए बाकी फ्यूचर में दिखाते रहेंगे बाकी फ्यूचर में मिलते हैं फिर दोबारा। ठीक है हमारा पूरा वीडियो कार महक के साथ जिसमें कि हम लोगों ने आपको पूरी वीडियो डिटेल में दिखाई कंपोनेंट्स दिखाए थ्री वे दिखाए जो भी इंस्टॉल किए बैम ऑडियो के इंस्टॉल किए और जितनी भी तरीके से उसको अलाइनमेंट किया सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हमने पूरी तरीके से दिखा दी। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरीके से काम हो जाए तो इस स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं बोलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में टिल देन।